दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप सीएससी डीजी पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं आप अपने मोबाइल में, तो आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे अपना सीएससी आईडी डाल दिया, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड टू फायर ओटीपी की, जैसे मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं ओटीपी मोड नॉट सिलेक्टेड, ओटीपी मोड नॉट सिलेक्टेड यहाँ पर आता है। यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन ओटीपी का सेंड करने का नहीं आता है, तो मैं इसको आपको प्रॉपर बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने स्क्रॉल करेंगे और कैसे आपका सीएससी डीजी पे काम करना शुरू कर देगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद मैं पूरा कट करूँगा और मैं यहाँ पर इसको डीजी पे एप्लीकेशन को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर डीजी पे को अनइंस्टॉल कर दिया हूं, उसके बाद मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है गूगल ड्राइव का, जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल ड्राइव पे आ जाएंगे। आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पर क्रोम के ऊपर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, डाउनलोड एनीवे इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप यहां पे नीचे देख सकते हैं, यहां पे डाउनलोड, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहां पे डाउनलोड हो गया। मैं यहीं से इसको ओपन कर दे रहा हूं, इंस्टॉल ओपन कर देना है। तो यहां पे कुछ परमिशन मांगा, मैं परमिशन को अलाउ कर देता हूं, अलाउ, और फिर से मैं यहां पे अपना सीएससी आईडी डाल दूंगा और यहां पे प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी फिल करने का ऑप्शन आ गया है। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी के ऊपर टिक कर देता हूँ, जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो ओटीपी जैसे हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आ गया है, मैं ओटीपी को यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मेरा नाम सीएससी आईडी, उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म को एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे स्कैन टू प्रोसीड, आपको अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट डिवाइस को लगा लेना है, एक्टिवेट कर लेना है। जैसे मैंने एक्टिवेट कर लिया हूँ तो मैं यहाँ पे स्कैन एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फिंगरप्रिंट डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा। आपको यहाँ पर फिंगर रखना है डिवाइस पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस। आप यहाँ पर आपका नाम यहाँ पर दिखाई देगा, आपके वॉलेट में कितना पैसा हुआ आपको दिखाई देगा, आप यहीं से पूरा कर सकते हैं जो भी आपको करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने सीएससी डीजी पे को अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हैं, जो भी आपकी एरर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों।